तेरी माँ का तलाक हुआ हुआ है। अब उन्हें नहीं पता हुआ नहीं हुआ, वो नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ भी हमें फेस करनी पड़ती है। मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैंने और तो कुछ नहीं बोला, मैं कल स्कूल आऊँगी, ठीक है? जब बोलता हूँ तब कहता है कि ये है, उसके बदले मेरे बारे में क्या बोला? तो तेरा तलाक हुआ। ठीक है, अभी मैं ये भेजती हूँ मैडम को, ठीक है? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप लोग बड़े ध्यान से देखना और देखने से ज़्यादा समझने का प्रयास करना। मैं सिर्फ सुनाने या बताने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आपको समझाने आई हूँ कैसी कैसी स्थिति हमें फेस करनी पड़ती है। और ये मेरी भाभी है, आ गई थी तो हम दोनों चाय पी रहे थे और मैंने मेहंदी लगा ली थी और बारिश चल रही थी, तेज़ धना धनाज बारिश आई थी और मेरी वॉइस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। और ये मेरी छोटी बहन नहा रही है, मैं आज बारिश में नहीं नहाई क्योंकि मेरे को जुकाम सा हो रहा था तो मेरे को और ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं हुई इसलिए मैं नहीं नहाई। लेकिन हाँ, मैंने बारिश को देखा खड़े रह के और ये बारिश इतनी तेज़ आ रही थी। और आज का वीडियो मैं बहुत बहुत कुछ शूट किया था बट मैं इतना ही डालूँगी क्योंकि आज की जो बात इम्पोर्टेंट है ना वो आपको बतानी ज़रूरी है। और दोपहर में हम बारिश में बैठे थे, ये मेरे बुआ जी हैं, इनके भी ये मेरी बुआ जी की दोस्त भी है, मतलब दोनों बहनें भी हैं, दोस्त भी है और ये भी आई हुई थी तो मैं उनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे, तो ये बोले अच्छा वीडियो में आ रही हूँ मैं। और ये मेरे बुआ जी है, रियल बुआ जी, और ये इनकी बहन है, मतलब दूर की है थोड़ी, तो ये दोनों आए थे हमारे घर पे। अब मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा है तीज का व्रत तो मैं ना अपने लिए कपड़े निकाल रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। वैसे मैं पहनती नहीं और ये मेहंदी भी मैंने दोपहर में लगाई है, मैं रात को भूल ही गई तो मैंने अभी लगाई है और मैं अभी कपड़े निकालने वाली हूँ तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ और फिर मैं बताऊँगी कि एक इंसिडेंट हो गया मेरे साथ आज बहुत बड़ा। हालांकि इन सब की हमें आदत होनी चाहिए लेकिन चलो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं एक बार कपड़े निकाल दूँ फिर बताती हूँ। तो मेरे पास पहनने के लिए तो बहुत सारे हैं। तो ये लहंगा है और ये इसके ऊपर के जो आपको कल देखने को मिलेंगे पहने हुए, तो मैं अभी शूट शाम को नहीं कर पाऊंगी शायद, जल्दी में रहूंगी तो। और ये इसकी ओढ़नी है तो ये तो आपको मैं कल दिखाऊंगी, अभी तो मैंने निकाले, मेरे पास और भी ऑप्शन थे पर ये थोड़े से ना भारी है, जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाले ऐसे भारी भारी है ऐसे, तो ये नहीं। अभी क्या बारिश आ गई थी आज दोपहर में तो फिर मैं इनको नहीं पहनूंगी आज, मैं फिर कभी पहनूंगी और आपको दिखाऊंगी, ठीक है? और अभी मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारे साथ हुआ क्या एग्जैक्टली, ठीक है? अब मैं आ गई ऊपर, अब मैं आराम से बोल सकती हूँ। तो आज जैसे ही अपी घर पे आया स्कूल से, जोर जोर से रोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ तो बोला कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों बोल रहा है ऐसे? तो उसने जो मुझे बताया कि दो बच्चे आपस में लड़ गए तो उन्होंने मुझे बीच में ला दिया और उन्होंने ये बोला कि तेरी माँ का तलाक हुआ हुआ है। अब उन्हें नहीं पता हुआ नहीं हुआ, वो नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ भी हमें फेस करनी पड़ती है। मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए शेयर कर रही हूँ, मैंने वो भी किया है, रिकॉर्ड किया है उसको, ऐसे बोला कि ये तेरी मैम को भेजूंगी तो बोल, तो उसने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आप देखना, ठीक है? तो भाई जिसको भी लगता है ना कि सिंगल मदर की लाइफ बहुत आसान होती है तो बिल्कुल भी आसान नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, ठीक है? तब जाके एक सिंगल मदर अपने आप को प्रूफ कर पाती है और वो भी लास्ट में जब उसका जाने का टाइम हो जाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं।
तब वो प्रूफ कर पाती है कि इसने अकेली माँ होके बच्चे को बड़ा किया, नहीं तो दुनिया मानने कोई, वैसे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया माने चाहे नहीं माने, हमारे घर में क्या होना है, हम क्या, हमें क्या करना है, हमें पता है, हमारे पेरेंट्स जानते हैं, हम जानते हैं और हमारा ईश्वर जानता है। मैं किसी चौथे व्यक्ति को तो रखती नहीं अंडर में, ठीक है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलो आप मौसम का हाल देख लो, बाकी चीज़ें इमोशनल मैं करना नहीं चाहती, बस मुझे यही चीज़ आपको बतानी थी। मैंने जो जो रिकॉर्ड किया वो मैं डाल रही हूँ, हल्का सा रिकॉर्ड किया वो भी इसको मैंने ऐसे बोला कि तेरी मैम को भेज रही हूँ ताकि उस बच्चे पे एक्शन लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो मैं आपको लगा रही हूँ, आप देखो। बोल दो क्या बोला था बेटा? कहता है कि तेरी माँ का तलाक हुआ है, ऐसे कहा था। और क्या बोला? और क्या बोला? बाप तो मैं हूँ, नहीं है। हाँ, और तो कुछ नहीं बोला? मैं कल स्कूल आऊँगी, ठीक है। जब बोलता हूँ तब कहता है कि ये है, उसकी मतलब है। मेरे बारे में क्या बोला? तो माँ तो तेरा तलाक हुआ, ठीक है। अभी मैं ये भेजती हूँ मैडम को, ठीक है। अब ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है कि हमारा जीवन आसान है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वैसे मैं कल जाऊंगी विद्यालय में जाके भी इसकी मैडम से भी शिकायत करूंगी और उस बच्चे से भी पूछूंगी, भाई तूने इतनी बड़ी बात कही है, तू क्या जानता है हमारे बारे में। हालांकि बच्चा वो 6th क्लास का है, थोड़ा इससे बड़ा है, ये 5वीं में है और वो 6वीं का है, तो ठीक है मैं उससे पूछूंगी, बच्चे से बात करूंगी, ठीक है। हो सका तो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। आप सोचो बच्चों में ऐसी हीन भावना कहाँ से आती है? ये घर से ही आती है, घर से ही कुछ चीज़ें सीखते होंगे, नहीं तो मेरा बच्चा तो किसी को आज तक मुझे नहीं लगता है गाली देके भी बात की होगी, शायद गाली भी उसको तो नहीं आती अभी तक, तो आगे तो सीख जाएगा बहुत सारी चीज़ें, संगत का भी असर हो सकता है, मैं उसकी भी गारंटी नहीं लेती, ठीक है। ज़माना बहुत ख़राब है, लेकिन एक बात बोल रही हूँ कि मतलब कहाँ से आया उस बच्चे के दिमाग में, कहाँ से आया और उसने क्यों बोला उसको, ठीक है। आपस में लड़ लिए तो एक दूसरे को धक्का मुक्की मार दी, ठीक है, बात माँ बाप तक, और वो भी इतनी बड़ी बात, एक बच्चा 6th क्लास और 5वीं क्लास में 1 साल का फ़र्क होता है, 1 साल का बच्चे में भी फ़र्क होगा, ये 10 साल का तो वो 11-12 साल का होगा, इससे ज़्यादा का वो नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो है ही, मेरे को बहुत कुछ शेयर करना है यहाँ पे, जो बाकी है बाकी रह गया है मैं करूँगी धीरे धीरे, और कल के वीडियो में जो जो रील्स वगैरह मैं डालूँगी आज शायद हम बना लेंगे रात को मैं और भाभी, तो आप ज़रूर से देखना, ठीक है। मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और हमारा जीवन इतना आसान नहीं है, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, और मुझे समझो। लाइक सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो करो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ये दो वो दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, अगर मुझे एक व्यू भी दे सकते हो ना आप अपनी तरफ से तो आप दो बस। आप अगर आप सोचते हो कि भाई दो लोगों को शेयर करूँगी वो भी देखे, तो आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर दो, बस इतना काम करो मेरे लिए, ये अनुदान मेरे लिए आप दे सकते हो, ठीक है।